एनाबेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसने अपनी माँ की आंखों को नोचकर अपने पिता की सभी हड्डियों को तोड़कर इन्हें दर्दनाक मौत क्यों दी थी। दरअसल एनाबेल की कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया में रहने वाले हैशिंग फैमिली से, जिनके एक छोटी सी बच्ची होती है और उसका नाम एनाबेल होता है। लेकिन जब वो एक दिन चर्च में आ रहे होते हैं तभी एनाबेल खेलते खेलते रोड पर चली जाती है और एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है, जिसके कारण एनाबेल की डेथ हो जाती है। लेकिन एनाबेल के जाने का दुख उनके माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और एनाबेल को वापस बुलाने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं और उसकी आत्मा को वो वापस बुलाने में सफल भी हो जाते हैं, जिसके बाद वो एनाबेल को उसकी फेवरेट डॉल में कैद करवा देते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि ये एनाबेल नहीं है बल्कि कोई शैतान है जो उनके साथ रहकर उनकी जान लेना चाहता है। तभी वो उसे क्रॉस साइन दिखाकर वापस भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि एनाबेल की मोम पर अटैक कर देता है और उनकी आंख नोच लेता है, जिसके बाद एनाबेल के फादर एक प्रेस्ट को बुलाकर लाते हैं और वो सब मिलकर उस शैतान को एक कवर्ड में डाल देते हैं। लेकिन फिर 12 साल के बाद वो शैतान खुद खुल जाता है और खुलते ही वो एनाबेल की मोम को बीच से फाड़ देता है। दोस्तों ऐसे और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।